गमले जो है ना एक जैसे हो गए हैं, और यहाँ पे मुझे तेल के छींटे पड़ गए हैं, मैं जल गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा फेस जल गया है। तो ये वाला जो है मैंने मिट्टी के कुल्हड़ से बनाई है, और एलोवेरा का जो ये होता है ना पत्तियाँ होती है, इसे जो है आप कहीं से भी काट के अगर आप मिट्टी में लगा देते हो ना तो ये आराम से ग्रो कर जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ऐसे थोड़ा पानी के लिए एयर पास कर देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो है ना पास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें नीचे होल नहीं है इस वजह से। थोड़ा सा चाकू से ना नीचे की तरफ कर दूंगी तो पानी पास हो जाएगा। इसका पानी पास नहीं हो रहा है, मैं इसमें मुझे होल करना पड़ेगा, जब जाके थोड़ा सा पानी एयर पास होगा। पौधों के लिए जो है ना नीचे होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये पानी जो है ना नीचे पास नहीं कर पाता। तो ये जो है ना मैंने इस पे वार्निश जो होता है ना वार्निश से पेंट कर दिया है लास्ट में, और ये जो है ना बुक से मैंने कटिंग कर करके चिपकाए हैं। पहले मैंने कलर कर रही थी, बट कलर ख़राब हो जा रहा था, तो पहले मैंने इसे रेड ब्लू वाइट इस तरीके से पेंट किया है। उसके बाद अपने निशु के बुक से ना कुछ कटिंग करके इस तरीके से देख सकते हैं, कटिंग करके लगा दिया है, मंकी है और इस तरीके से लायन वगैरह है। तो ये वाला आप गमला देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने नहीं दिखाया है, तो देख सकते हैं ये मैं अपने जो है निशु के लिए रूम के लिए एक थीम तैयार कर रही हूँ, इसलिए ये सब बना रही हूँ। और इसमें गाइस मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है, येलो, और उसके बाद मैंने देख सकते हैं इस तरीके से स्टिकर चिपका दिया है और पेंट किया है, उसके बाद स्टिकर चिपकाया है ग्लू से, और उसके बाद इस पे वार्निश मार दिया। वार्निश मारने से दो चीज़ें होती है, फर्स्ट तो इसमें शाइनिंग आ गई, और सेकंड जो है ना ये पक्का हो गया है, ये जल्दी छूटेगा नहीं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर किया ना, एक्रेलिक कलर जो है ना हमेशा पानी पड़ने से छूट सकता है, क्योंकि ये गमला है पौधा, इसमें हम पानी डालते हैं कुछ भी करते हैं तो देख सकते हैं। और बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के एक थीम तैयार किया है बुक के ऊपर, पेंटिंग वाली जो ड्राइंग वाली कॉपी आती है उसके ऊपर। और एक ये जो है पानी का डब्बा था, पानी की बोतल थी, उस पे इनसे मैंने पेंट करवाया है, ये इन्होंने पेंट किया है। उसके बाद मैंने इस पे भी वार्निश मार दिया है, वार्निश मारने से आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग कितना ज़्यादा आ गया है। फर्स्ट तो इसमें शाइनिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा वार्निश करने से, और सेकंड जो है ये पेंट जो है एक्रेलिक कलर जो है ना हमेशा प्लास्टिक के ऊपर छूटता रहता है, तो ये दो चीज़ पक्का हो गया। आप तो देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है ये सारे गमले, इस तरीके से देख सकते हैं, और बच्चों को काफ़ी आकर्षित करेगा। बच्चों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये मेरे हो गए चार गमले हैं, अभी इसमें मैं मॉर्निंग में जो है मनी प्लांट का पौधा लगाऊंगी, और मैं किचन की लाइट बंद कर देती हूँ और मैं चलती हूँ अपने स्टोर रूम में। एक्चुअली इन सब प्रोजेक्ट को ना रेडी करने में पूरे मेरे कल से आज तक का दूसरा दिन चला गया है, और आज 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में, जिसके हालात बहुत ही बुरे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये है मेरा पूरा स्टोर रूम गाइस, कपड़ों से लेके, और ये मेरा फेवरेट वाला बाथरूम है जिसे मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ और पहले यूज़ करती थी। और अभी हो रहे हैं रात के 11:30 बजे, मुझे आज एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और ये है मेरा आज का नाइट ड्रेस, और ये है जम सूट, हाफ निक्कर जम सूट। मैं इवनिंग के बाद कपड़े जो है ना चेंज कर लेती हूँ, मैं इसी टाइप के कपड़े जो है घर पे पहनती हूँ। और सेकंड जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं निशु के लिए एक फ़ोटो फ्रेम रेडी कर रहे हैं इस तरीके से निशु के रूम के लिए, और हाथ लगा के कहाँ इधर उधर रख दिया है। एक ये काफ़ी टाइम पुरानी फ़ोटो है, जब इसकी बड़े बड़े बाल थे, ये देख सकते हैं चुटिया बनाता था, कितना क्यूट लगता है,
देख सकते हैं, ये मुंबई की फोटो है, गेट ऑफ इंडिया का। तो ये सब फोटो मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं जो उसकी मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा, और उसके हिसाब से मैं कुछ इस तरीके से थीम सोच रही हूँ कि उसके रूम में मतलब मैं क्या क्या चीज़ें लगाऊंगी। तो मैंने जो है 4 बेडरूम्स लिए हुए हैं, 4 या 3 रूम्स लिए हुए हैं। एक मैंने गेस्ट रूम लिया है, एक बेडरूम और एक निशु के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके का, ताकि उसको ये सारी चीज़ें जो है ना आकर्षित करे। और ये पेपर प्लेट जो है ना मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये ले जाने में टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अभी मैंने फिलहाल 2 ही रेडी किया इस तरीके से। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं बुक में पूरी तरीके से रेडी करके रखा हुआ है मैंने। और मन करेगा तो मैं इसको पूरा रखूंगी। और अभी देख सकते हैं मैं इसमें DIY कर रही हूँ और स्टोन वगैरह लगा रही हूँ। आपको इसका पूरा जो है एक आइडिया ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे पूरा रेडी कर रही हूँ इस तरीके से। और ये फॉर्म शीट है, आपको बता दूँ मैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये वाला थीम, ये प्रोजेक्ट तो मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, टूट गया, क्योंकि थर्माकोल था, बहुत डिफिकल्ट था, तो ये टूट गया है। इसका भी कुछ मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या मैं प्रोजेक्ट जो है रेडी करूँ। तो बस यही था आज के लिए, और ये सब कुछ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि निशु का जो है रूम वगैरह हम कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं एक बार मेरे सारे प्रोजेक्ट पे इस तरीके से सारा सब कुछ फैल रखा है गाइस। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।